Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about the Ecstasy of Rita Joy by George Ryga. Ecstasy of Rita Joy two act play है जिसे Canadian playwright George Ryga ने लिखा. ये बहुत ही important play में से एक play है Canadian theatre के लिए क्योंकि इसका subject matter influential है. एंड ये एक नेटिव वुमेन पे बेस्ड है जो कि यंग अमेरिकन वुमेन है, अमेरिकन इंडियन वुमेन जो बिलोंग तो करती है इंडिया से लेकिन रहती अमेरिका में है. सो ये प्ले उसकी सफरिंग पे बेस्ड है कि कैसे लोगों को वाइट पीपल के अगेंस्ट सफ़र करना पड़ा उनकी वजह से. सो ये परफॉर्म किया गया सबसे पहले वैनकूवर प्ले हाउस में 1967 में. इसके बाद ही ये स्टूडियो थिएटर एट द नेशनल आर्ट सेंटर में परफॉर्म किया गया 1969 में और पब्लिश हुआ 1970 में. यहाँ लड़ाई रीटा की है वाइट पीपल के अगेंस्ट. वो सिर्फ उनके अगेंस्ट नहीं है, वो अपनी राइट को पाने के लिए सफ़र कर रही है कि जो उसके राइट्स हैं वो उसे मिलने चाहिए. ये प्ले स्टार्ट होता है कोर्ट रूम से जहाँ रीटा ट्रायल में कोर्ट रूम में खड़ी हुई है प्रोस्टिट्यूशन की वजह से और उसके पास कोई लॉयर नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए उसको. वो खुद ही अपने आप को डिफेंड कर रही है. इससे पहले मैं आपको बता दूं ये प्ले सॉन्ग्स पे बेस्ड है और साथ में इसमें डिसकनेक्टेड सीन्स हैं. एक के बाद ही दूसरा सीन स्टार्ट हो जाता है तो सीन्स थोड़े डिसकनेक्टेड हैं. और ये स्टार्ट होता है रीटा से जब वो कोर्ट रूम में खड़ी हुई है प्रोस्टिट्यूशन की वजह से और खुद के लिए ही अपनी लड़ाई लड़ रही है. तो रीटा अपनी रिजर्वेशन होमलैंड को छोड़कर सिटी की तरफ आती है एक जॉब फाइंड करने के लिए जहाँ पर उसे एक अच्छी जॉब तो नहीं मिल पाती. साथ में एक पुलिसमैन उसे ऑफर करता है मनी जो रीटा एक्सेप्ट कर लेती है. एंड शी वॉज एक्यूज फॉर द केस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. इसी मनी की वजह से जो वो मनी एक्सेप्ट करती है पुलिसमैन से, इसी की वजह से उस पर प्रोस्टिट्यूशन का इल्ज़ाम लगता है और इसी चीज़ की वजह से वो अभी कोर्ट रूम में है. रीटा को मजिस्ट्रेट ऐसा दावा करते हैं कि जो भी होगा सही होगा और अच्छा ही होगा, मैं जस्टिस का ही फैसला लूँगा. मजिस्ट्रेट को भी रीटा से थोड़ी सिंपैथी होती है क्योंकि मजिस्ट्रेट को फ्लैशबैक मिलता है जो कि कभी पहले उसने एक यंग गर्ल को देखा होगा रोड साइड पर और वो थोड़ा रीटा के लिए सिंपैथी फील करता है. बट जो पेट्रियोटिज्म की फीलिंग है उसके अंदर, उसने उसे किक किया जिसकी वजह से वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया. और मजिस्ट्रेट ने रीटा से रूथलेसली क्वेश्चंस किए. इसके बाद वहीं उसी ट्रायल रूम में खड़े हुए रीटा को भी फ्लैशबैक्स आते हैं अपने पास्ट के. वो जमाई पॉल के बारे में सोचती है जो कि एक अमेरिकन इंडियन है रीटा की ही तरह, और वो भी सिटी में आता है अपनी जॉब फाइंड करने के लिए और वो एक टाइम पर वो सक्सेस भी हो जाता है. बट इवेंचुअली उसने अपनी जॉब खो दी है और ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है. रीटा को उन सब चीज़ों के फ्लैशबैक्स आते हैं जैसे कि उसके फादर प्रीस्ट, हर फॉर्मर टीचर एंड स्कूल बोर्ड क्लर्क. तो उन सब की वो फ्लैशबैक उसे आते हैं, सारी बातें उसे याद आती है. रीटा के स्कूल बोर्ड क्लर्क और उसके फॉर्मर टीचर मिस डोनोह्यू रीटा के अगेंस्ट खड़े होते हैं उस ट्रायल में, रीटा के अगेंस्ट गवाही देते हैं जिसकी वजह से रीटा को 30 डेज प्रिजन में रहना होता है. और उसे ये सज़ा मिलती है कि उसे 30 डेज प्रिजन में रहना है, जेल में रहना है 30 डेज. आफ्टर 30 डेज वो वापस अपने फ्रेंड जमाई से मिलती है जिसके पास अभी जॉब नहीं है. जॉब मिली थी बट वो खो चुका है उस जॉब को. वो दोनों मिलकर
मिस्टर होमर के सेंटर पे जाते हैं रहने के लिए, शेल्टर ढूंढते हैं, तो उन्हें मिस्टर होमर का सेंटर मिलता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि जो फूड और क्लोथिंग उन्हें ऑफर की जा रही है, तो वो उन चीज़ों की हेल्प लेकर काफ़ी खुश होते हैं। बट मिस्टर होमर की नज़र रीटा पर होती है। वो रीटा को बहुत कुछ बोलते हैं, लाइक प्रोस्टिट्यूट, होर और समथिंग, स्लट। एंड जमाई बिना कुछ सोचे समझे उन पर अटैक करता है। ही वॉज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइक रीटा। जिस तरह से रीटा अपने आप को ही कोर्ट रूम में डिफेंड करती है, उसी तरह जमाई भी जब मिस्टर होमर पर अटैक करता है तो वह कहता है, आई डोंट बिलीव नोबडी, नो प्रीस्ट नोर गवर्नमेंट, दे डोंट नो वट इट्स लाइक टू वॉन्ट एंड नोर हैव टू स्टैंड इन अ लाइन एंड नोबडी सीज यू। इसी वजह से जमाई और रीटा को दोबारा से मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है, क्योंकि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जमाई को 30 डेज प्रिजन में रहना पड़ता है। जमाई को प्रिजन की अब सज़ा मिलती है कि 30 डेज जमाई को रहना है। इस टाइम पर रीटा के फादर आते हैं रीटा को वापस अपनी जगह ले जाने के लिए, सिटी छोड़कर जाने के लिए। बट रीटा रिफ्यूज़ कर देती है, क्योंकि वो जमाई को ऐसे मुसीबत के टाइम पर छोड़कर नहीं जाना चाहती। जब जमाई प्रिजन से बाहर आता है तो दोनों सेलिब्रेट करने का प्लान बनाते हैं, और दोबारा से वो अपने फ्लैशबैक आते हैं, उन्हें अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। जहाँ पर वो बैठकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर रेसिस्ट का ग्रुप आता है, वाइट मैन का, जो कि रीटा को भला बुरा बोलते हैं और जमाई को किल करते हैं, उसका मर्डर करके उसे चलती हुई ट्रेन के बाहर फेंक दिया जाता है, और रीटा का भी मर्डर कर दिया जाता है। और ये स्टोरी ख़त्म होती है एक ब्रूटली मर्डर पर, कि किस तरह से उन दोनों का मर्डर किया गया और दोनों को एक साथ फनल किया गया। तो ये स्टोरी मेनली बेस्ड है वाइट सोसाइटी की इनएबिलिटी पे, कि वो समझ नहीं पाए नेटिव अमेरिकन की कल्चर को।